हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या बीकानेरी चटकारा में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह हम सबको नाश्ता चाहिए और सबको रोज़ डिफरेंट चाहिए होता है, तो ये समझ नहीं आता है कि रोज़ रोज़ एक सा नाश्ता बनाते बनाते सब लोग बोर हो गए, अब डिफरेंट क्या बनाएं। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ कुछ डिफरेंट नाश्ता, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं, साइज़ में बड़े आलू लेंगे ताकि जब हम इनको ग्रेट करें तो इनके लच्छे लंबे निकलें। ये देखिए, मैं इसको ऐसे निकालूंगी लच्छे तो ये लंबे लंबे निकलेंगे। बड़ा ग्रेटरी काम में लें इसमें, क्योंकि बड़े बड़े लच्छे होंगे वो ज़्यादा सही रहेंगे। सारे आलू ग्रेट कर लिए हमने, इसको हम 3-4 पानी से धो लेंगे। आलू पे डिपेंड करता है कि आप उसको 3-4 पानी से धोएं, हो सकता है 5-6 पानी से भी धोना पड़ जाए, क्योंकि कई आलू में ज़्यादा स्टार्च होता है और कई आलू में कम स्टार्च होता है, तो जिसमें ज़्यादा स्टार्च होगा उसको हमें ज़्यादा पानी से धोना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सा इनको हम मसल लेंगे ताकि स्टार्च सारा निकल जाए। इनको बहुत ज़्यादा मसलेंगे नहीं हम, नहीं तो लच्छे टूट जाएंगे। इनको बस ऐसे दबा दबा के ही स्टार्च निकाल लेंगे सारा, और जब तक पानी दूधिया हो रहा है तब तक धो लेंगे। ये देखिए, अब काफ़ी कम हो गया है स्टार्च, पानी कुछ कुछ साफ़ हो गया है। स्टार्च निकालना इसमें से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब देखिए पानी बिल्कुल साफ़ है, अब इसमें बिल्कुल भी दूधियापन नहीं है पानी में। तो हम थोड़े थोड़े लच्छे लेके और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ देंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी पानी रहा तो हमें इसमें बाइंडिंग एजेंट ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिससे आलू का टेस्ट दब जाएगा। देखिए आलू एकदम ड्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे से निचोड़ के डाले हैं हमने इसमें। थोड़े हरे धनिया बारीक काट के डालेंगे हम, 2 हरी मिर्च है, इनको भी बहुत छोटा छोटा काट लिया। थोड़ी सी अदरक, हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे इसमें। और करीब 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। बाइंडिंग एजेंट इसमें हम मैदा डालेंगे, करीब 4 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं इसमें मैदा, और 4 ही टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, आप चाहें तो अरारोट भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और मैदे का कोई नाप नहीं है, कितना मॉइस्चर है आपके आलू में उस पर डिपेंड करेगा, ज़रूरत हुई तो इसमें हम और डालेंगे। इसको पूरा गूंद के और डो जैसा बना लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च और थोड़ा सा मैदा और डाल दूंगी मैं। बस ये बिल्कुल तैयार है डो बनके। ऐसे पकोड़े बना लेंगे, ज़्यादा गोल नहीं बनाएंगे। तो अब हम तेल गरम करना रख देते हैं। तेल अच्छा गरम हो गया, धुएं भी निकलने लग गए। और इसमें हम छोटे छोटे पकोड़े थोड़े फ्लैट करके और इसमें डालते जाएंगे। गोल इसलिए नहीं निकालेंगे
क्योंकि आलू है बिल्कुल कच्चा और उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम गोल निकालेंगे तो अंदर से वो थोड़े सौगे से रह जाएंगे, इसलिए इसको चपटे बना के देखिए आप, पूरे क्रिस्पी बनेंगे बहुत ही अच्छे। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे, बिल्कुल धीरे नहीं रखेंगे, क्योंकि धीमे आँच में जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, ये तेल बहुत ज़्यादा पी लेंगे, इसलिए इनको मीडियम आँच पे बनाएंगे, तेज़ आँच पे भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि तेज़ आँच पे ये अंदर तक नहीं सिकेंगे। फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, बस टाइम थोड़ा सा आलू को धोने में ही लगता है और किसी चीज़ में नहीं लगता। तो अगर सुबह नाश्ता बनाना हो तो बहुत ही बेस्ट है ये रेसिपी, आप फटाफट से आलू छील के और बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। मीडियम आंच पे इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इनको हम पलट देते हैं एक बार, इनको हमें दो बार पलटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब ये नीचे से थोड़े सिक गए हैं तो ऊपर वाला ठंडा हिस्सा है जो हम नीचे डाल देंगे और फिर थोड़ी देर में इसको वापस से पलटेंगे, ताकि ऊपर वाला जो ठंडा हिस्सा है वो नीचे चला जाए। इसको तलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, आपको काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, 5-7 मिनट लग जाएंगे इसको एक बार का तलने में। ये देखिए इसके किनारे थोड़े रेड हो गए हैं, तो इनको हम एक बार और पलट देते हैं। ये देखिए लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इनको हम, बीच में से आप देखिए वाइट पड़े हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये पक गए हैं अच्छे से। इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी निकाल लेते हैं हम। एक बार को जब आप डालेंगे तो हो सकता है ये एक दूसरे से आपस में मिल जाए, तो आप इस तरीके से इनको अलग कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। ये देखिए सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हमने, ये देखिए इनको हमने बिल्कुल पैक नहीं किया था, तो ये जो बाहर निकले हुए हैं थोड़े थोड़े आलू, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए इसीलिए हमने इसको गोल नहीं बनाया, अगर गोल बनाते तो ये अंदर से थोड़े से सौगी रह जाते, पक तो जाते लेकिन वो थोड़े से सौगी रह जाते, ये पूरे क्रिस्प बने हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये टिफ़िन में डालने के लिए, नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इन पकौड़ों को आप टमाटो केचप, ग्रीन चटनी या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। दही में हम थोड़ा सा मसाला डाल लेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा चाट पाउडर। इन तीनों के साथ ये पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या सभी के साथ, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, आप देख सकते हैं, मैंने दो तरीके से ग्रीन चटनी बनाई है, वो आप दोनों देखें, जो भी आपको पसंद आए वो बनाएं और खाएं।